नमस्कार। तो आज आप हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। कोल इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर आज थोड़ी सी उछाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तेज़ी देखने को मिले 3% तक। काफ़ी यहाँ पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट एनालिसिस के ऊपर नज़र डालते हैं स्टॉक के, किस वजह से जो स्टॉक है इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 430 यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे स्टॉक की, तो ये जो लेवल है स्टॉक की 440 लेवल आप लोग मार्क कीजिए, क्योंकि 440 लेवल पे जो है स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था। मीन्स ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए, जिस कारण स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले महीने में भी 440 के नीचे क्लोजिंग मिली थी, इस मंथ में भी स्टॉक 440 का रेजिस्टेंस ले रहा है, तेज़ी दिखा रहा है। एंड ऑफ द मंथ स्टॉक नीचे क्लोजिंग दे रहा है, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात आप लोग ध्यान में लीजिए, जब 440 के ऊपर इस मंथ में क्लोजिंग मिलती है, मार्च मंथ का जो क्लोजिंग है 440 के ऊपर जाता है और अगला महीना भी स्टॉक 440 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो ऊपर की तरफ तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर नहीं तो स्टॉक फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि इस मंथ के जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि कंटिन्यूस पिछले पाँच छः महीने से वॉल्यूम काफ़ी बेहतरीन आ रहे थे और इसलिए थोड़े से वीक वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे रहे। पर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक को जो सपोर्टिव लेवल लगने वाले है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 415 से 400 लेवल जो है वो एक सपोर्टिव जोन बन सकता है यहाँ पे स्टॉक के लिए।